अरे बहुत अच्छा स्लोगन पड़ा, मैं तो कह रहा था कि वीडियो बना के आज ही तुरंत राहुल जी को भेज देना चाहिए, अच्छा लगेगा, आज ही शाम को आपको धन्यवाद देंगे। वो यात्रा कहाँ है, कौन सी यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा से तुरंत ये पर्ची का डर कौन सी तारीख का है, आपको कौन सी तारीख का पर्ची का डर है, ये 25 सितंबर 2022 आपको ध्यान होगा, कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बहिष्कार का बात। बहिष्कार के बाद से जहन में बना हुआ है, कुछ माननीय सदस्य बार बार पर्ची की सरकार का उल्लेख भी करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं सरकार, मैं उनको बताना चाहता हूं ये सरकार ना पर्ची की है ना खर्ची की है, बल्कि ये सरकार धरती की है और धरती पुत्रों की है, धरती की और धरती पुत्रों की है, लेकिन एक परिवार को समर्पित कुछ माननीय सदस्यों को एक, क्योंकि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से मैं कहना चाहता हूं, इस देश में आजादी की लड़ाई में बहुत का योगदान रहा है, लेकिन हमेशा मैं देखता हूं आपके पास वही नाम 3 है या 4 है, ऐसा क्यों? अरे इस देश की आजादी में बहुत लोगों का योगदान रहा है, बहुत लोगों का योगदान रहा है, कभी उनको भी सम्मान दे दिया करो, आप सिर्फ 3। अरे बहुत अच्छा स्लोगन पड़ा, मैं तो कह रहा था कि वीडियो बना के आज ही तुरंत राहुल जी को भेज देना चाहिए, अच्छा लगेगा, आज ही शाम को आपको धन्यवाद देंगे। वो यात्रा कहाँ है, कौन सी यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा से तुरंत राहुल गांधी चाहिए हमें। हाँ, हमें चाहिए राहुल गांधी, हमें चाहिए। एक ऐसे परिवार का व्यक्ति हूं, एक छोटे किसान परिवार से आता हूं, जीवन अभावों में भी गुजरा है, मेरा मुख्यमंत्री बनना अभी तक शायद ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं। बैठिए बैठिए। अरे अरे सुनिए माननीय सदस्य, दरअसल विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य पूरा सुन, इसलिए आप मैं पर्ची पर भी आ रहा हूं, आपकी पर्ची पर भी मैं आ रहा हूं। दरअसल विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों के अवचेतन मन में पर्ची का डर बैठा है, आपके मन में पर्ची का बड़ा डर बैठा है, इसलिए वो बार बार पर्ची का उल्लेख करते हैं। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, थोड़ा डिटेल में तो मैं बताऊंगा, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं विपक्ष के सदस्यों को, यह पर्ची का डर कौन सी तारीख का है, आपको कौन सी तारीख का पर्ची का डर है, यह 25 सितंबर 2022 आपको ध्यान होगा, कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बहिष्कार का बात। बहिष्कार के बाद से जहन में बना हुआ है, किसी शायर ने सही कहा है, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गरेवान में झांका नहीं जाता।